तो वही रफ्तार भाई ने देखा उसको, उनको लगा कि भाई इसने 24 घंटे, तो कमेंट उन्होंने करा कि शाबाश चीते 24 घंटे से पहले गया था रफ्तार भैया ने शाउट आउट था, एक महीना भी नहीं हुआ। मैं फैन बोहिमिया का, तू 6ix9ine का, तभी लिखाई पे तेरी बेटे करता मैं लाफ माइक पे। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? सब कुछ बढ़िया। तो भाई साहब, अगर आपका कोई दोस्त आर्टिस्ट है तो उसके व्लॉग जो दिखाना, तो आज की कहानी कुछ ऐसी कि भैया अगर आपको म्यूजिक रिकॉर्डिंग करवाना हो तो भाई से आप आ सकते हैं मिलने। यो व्हाट्स अप, क्या हाल है सबके? कैसे हो भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हो भाई? तो सैदर भाई का मैंने पहले भी म्यूजिक स्टूडियो का व्लॉग बनाया था, तो आज बात यह है कि भाई साहब, भाई ने कर लिया स्टूडियो रेनोवेट। इन्होंने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि भैया तुम्हें आना है यहाँ पे। तो तुम ये बताओ कि जैसे अगर किसी को म्यूजिक बनवाना हो तो क्या सीन है? तो भाई कॉन्टेक्ट करो, भाई नंबर दे देंगे, बाकी हम लोग बात कर लेंगे, सबसे सही प्राइस दूंगा मैं आपको। वैसे मिनिमम रखते हैं, बीट का प्राइस क्या है? बीट के साथ में आपको 5000 में आपका हो जाएगा मिक्स मास्टर प्रॉपर। हाँ, प्रॉपर मिक्स मास्टर के साथ में। और भाई के चैनल से आओगे तो आजकल ना मतलब लोगों में ये भी शौक चढ़ गया कि जैसे कवर म्यूजिक बनवा उनको उसी पे चाहिए, वो कॉपीराइट फ्री वाला सिस्टम होता है उसमें? मतलब क्या सिस्टम होता है उसका? न्यू म्यूजिक बना सकता हूँ, रिक्रिएट कर दूंगा, तो मतलब वो जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो उसकी तरह लगेगा नहीं, मैच नहीं होगा। एक ये चीज भी होती है, पता नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, इससे कॉपीराइट क्लेम नहीं आता। यू कैन थैंक मी लेटर, हिसाब किताब चलता रहता है। था रफ्तार भैया ने शाउट आउट, एक महीना भी नहीं हुआ उस गाने में, एक दिन में कितने भी आ गए थे? एक दिन में यही 30,000 प्लस हो गए थे एक दिन में। भाई की एल्बम आई थी रात 12 बजे, सरप्राइज एल्बम थी, किसी को पता नहीं था। आई एल्बम मैं सुबह 9 बजे उठा, मैंने कहा यार एल्बम आई हुई है, तो मैंने सुना गाना और मैं सारे सुन रहा था, तो मैंने सोचा कि एक रिमिक्स बनाऊंगा मैं इसमें। मैंने सारे सुने और एक गाना था 36 वाई वाई। इसमें मेरा कुछ भी दिमाग में नहीं था कि आज रिलीज करना है मेरे को, पहले तो ढूंढा। तुम्हें म्यूजिक बनाने में कितना टाइम लगा उसका? भाई उसका म्यूजिक मैंने बना दिया 15-20 मिनट में, बना दिया और लिख दिया 10 मिनट में, लिख दिया मैंने उसके बाद रिकॉर्ड कर दिया, मतलब 1 घंटे में मामला बना दिया मैंने। वो घर के काम वाम करने लग गया, बाहर चला गया कहीं कहीं, क्योंकि दिमाग में नहीं था कि रिलीज करना है। फिर शाम को आया मैं 6 बजे का, मैंने सोचा कर ही देता हूँ, वीडियो बनाऊंगा, इससे अच्छे लिरिकल बना देता हूँ। लिरिकल बनाया मैंने और उसके बाद मैंने डाल दिया उसको। 1-2 घंटे तक 100 व्यूज थे 1 घंटे तक। उसके बाद कॉल आया मेरे को किसी का कि भाई रफ्तार ने स्टोरी लगा रखी तेरी। मैंने बोला बीटी को कर रहा है, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद मेरे को नोटिफिकेशन आया कि रफ्तार का कमेंट आया कि 24 घंटे से पहले। मैंने वो गाना 2 घंटे 1 घंटे में बना दिया था, शाम को मैंने रिलीज करा, पर वो 24 घंटे वो ऐसा लग रहा पर 24 घंटे में वो नहीं बना, 24 घंटे से पहले बना दिया था मैंने। तो वही रफ्तार भाई ने देखा उसको, उनको लगा कि भाई इसने 24 घंटे गाना आया, वो 24 घंटे नहीं हुआ था, और मैंने उसका रिमिक्स डाल दिया था, शायद वो इसी वजह से इंप्रेस हो गई कि हाँ इस लड़के में बात है। तो कमेंट उन्होंने करा कि शाबाश चीते 24 घंटे से पहले। और वैसे एक बात, जैसे इस व्लॉग में सारा भाई का ही मैंने म्यूजिक यूज करा, मेरे पे कॉपीराइट क्लेम तो नहीं मारोगे? नहीं भाई, कोई कॉपीराइट क्लेम। बता कौन से मैं होश में रहता हूं ना, कोई ऐप करता बिच, ये स्निच करने वाले बोले कॉल कर ले पिक, और मैं छीक मार के बोलूं मुझे याद करे बीच, तू ना देख वरना मौत निश्चित है, तू हिट वाली लिस्ट में करूंगा तुझे पीस, वो भी 4 बिना बात। ये गाना है तेरे कानों में, खुलेगी तेरी आंख और जागेगा सारी रात, ना करेगा किससे बात, पहले खुद को पहचान कलाकार को तराश, मेरे गले में खराश तो भी बुंड देता फाड़, मैं औकात से हूं बार तेरी, चल कर मुझे शो, कितने लिखे तूने गाने, कितने मारे तूने फ्लो, चल बता मुझे ब्रो, कितने हिट हुए गाने, कितने मारे तूने शो, आया हूँ मैं खुद के दम पे बेसबर था पहले दिन से, जोड़े तिन के मारा मन को कितनी दफा, गाने लिख के सारे देखे एनमी, फनी से बन के यारी होती कोई, जिनके आंसुओं से रस्ते मिलते, रस्ते मिले मुझे सारे गलत, ये सोच के हैरान के मैं क्यों सबसे अलग, क्यों गलत मेरे बार से इनका सूख जाता, हालांकि अगर बीट की हो तलब तो फिर बीट होती कलम, मेरे दोस्त ना मैं हूं किसी का बॉस, है आजाद मेरी सोच ना संकोच, मेरे दिल में घुसे पड़े ये बिल। हाँ जी, एक इन्फॉर्मेटिव वाली बात और है कि जैसे भाई के आप म्यूजिक वीडियो देखोगे तो इनको स्पॉन्सर करती कौन सी कंपनी? अर्बन मंकी जाके वीडियो देखो, जो भी मैं उसमें कपड़े पहनता हूँ, जो भी कूल, जितने भी कूल कपड़े होते हैं ना, सब अर्बन मंकी के होते हैं भाई, जाके देखो। ये भी कहने का तात्पर्य है कि भाई से तुम अच्छी से दोस्ती बना के रखो, भाई के म्यूजिक वीडियो में व्यू आते तो भाई से कॉन्टेक्ट बना के रखो। एक बात और, जैसे तुम म्यूजिक बनाना सिखा सकते हो? आप कॉन्टेक्ट करो, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बीट का प्राइस मैंने आपको बता दिया, बाकी चार्ज वार्ज का जो सिस्टम है वो भाई से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बाकी सब बढ़िया है। अर्बन मंकी को फॉलो वॉलो करो, एक बार आप शुरू से बोलो तभी होगा। मैं फैन बोहिमिया का, तू 6ix9ine का, तभी लिखाई पे तेरी बेटे करता मैं लाफ, माइक पे जाते हाफ।